स्थिति है। देखिए ऐसा है कि सुबह जो 40 सेकंड का जो लगभग पथराव कुछ शरारती तत्व ने किया था, उसके बाद एब्सोल्यूट शांति थी, कहीं कोई बात नहीं थी। प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने अपना कुछ निर्णय लिया है जो अभी मेरे तक नहीं आई है। संभवतः वो कॉलेज वॉलेज बंद करने की जो है कुछ निर्णय ले रहे हैं। अब वो मेरे पास निर्णय आ जाने के बाद मैं बता पाऊँगा। वर्तमान में स्थिति एब्सोल्युटली नियंत्रण में है। यहाँ से कुछ लड़के जब अंदर किए गए हैं तो पीछे से कुछ 10-12-15 लड़के निकल के पीछे से पथराव करने की कोशिश किया था, उनको भी खदेड़ते हुए जो है अंदर कर दिया गया है। अभी एब्सोल्युटली जो है नॉर्मल स्थिति है, जितनी भी बिल्कुल एब्सोल्युटली कहीं कोई फायरिंग की कोई बात नहीं है। संभवतः SP वेस्ट ने बताया है कि एक दो चूँकि दूर से पथराव हो रहा था तो जो है 1-8 टीयर गैस शेल की फायरिंग करने की बात आ रही है। अभी इसकी पुष्टि मैं थोड़ी देर बाद बात करने के बाद कर दूंगा। अभी ये कंफर्म किया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये कंफर्म किया जा रहा है, आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। हॉस्टल खाली कराने के संबंध में कॉलेज प्रशासन क्या निर्णय लिया है ये अभी कॉलेज प्रशासन अवगत कराएगा, तो अकॉर्डिंगली जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने हिंसा करी, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, उनके खिलाफ मैं उनके आपको मैं अवगत कराऊं कि जो है कि जब अभी प्रशासन के लोगों से बात हुई है, कॉलेज प्रशासन के लोगों से, तो उन्होंने बताया है कि मैं चिन्हित करके आपको नाम दे रहा हूं कौन कौन लोग शरारती तत्व ने पत्थरबाजी करने का प्रयास किया है। थैंक यू।